जय माता दी। दोस्तों, संसार का हर व्यक्ति सुख शांति भरा जीवन चाहता है, लेकिन क्या हर व्यक्ति सुकून से रह पाता है? शायद नहीं। ज़्यादातर व्यक्ति तनाव और चिंता से परेशान रहते हैं, उनके कार्यों को पूरा होने में बाधाएं आती हैं, जीवन में उल्टा सीधा होने लगता है, बने हुए काम बिगड़ने लगते हैं, घर में रहने वाले लोग झगड़ालू और चिड़चिड़े स्वभाव के होने लगते हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, घर का वातावरण बहुत ही खराब होने लगता है, फैमिली मेंबर को अपने घर से घृणा सी होने लगती है, किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लगता है, परेशानियां चारों तरफ से आपको घेर लेती हैं, कार्य क्षेत्र में ध्यान नहीं दे पाते हैं, चिंता आपको घेर लेती है, कोई भी दुआ या दवा काम नहीं आती है, ऐसे में पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता है। ऐसी परेशानियों से बचने के लिए आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता है। आज हम आपको इन परेशानियों से बचने का एक साधारण सा उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को नियमित रूप से करने पर आपको लाभ मिलेगा, आपकी अधूरी इच्छा पूरी होगी। एक ऐसा साधारण उपाय जिसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं कि आप घंटों तक पूजा करें या फिर माला फेरते रहें। यह उपाय जल्दी ही कुछ समय में किया जा सकता है। कुछ चमत्कारी शब्द जिनको बोलने से आपका जीवन बदल सकता है। देवी देवता खुश होंगे, भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी, उनकी कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। वैसे तो किसी भी पूजा पाठ को करने के लिए बहुत से नियम धर्मों का पालन करना पड़ता है। प्रातः स्नान करने से पहले किसी भी पूजा को नहीं किया जा सकता है। स्नान आदि करने के बाद ही किसी पूजा पाठ को किया जा सकता है। काफी पूजन सामग्री, फूल, धन व आदि की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ इन सभी चीजों की जरूरत नहीं पड़ने वाली। कुछ शब्द बोलने मात्र से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त हो सकती है। इस उपाय को करने के लिए आपको ज्यादा तैयारी नहीं करनी है। इस उपाय को करने में उम्र की कोई पाबंदी नहीं है। छोटे से छोटे बच्चे और बड़े से बड़े उम्र के लोग इस उपाय को कर सकते हैं। प्रत्येक माता पिता का यह काम है कि वह अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही बेहतर संस्कार डालें। बच्चों में अभी के पड़े हुए संस्कार भविष्य में आपको हमेशा काम देंगे। कोशिश करें कि घर के प्रत्येक सदस्य को इन शब्दों को याद करने व बोलने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि जब घर के प्रत्येक सदस्य के द्वारा यह उपाय किया जाएगा तो परिवार के सभी सदस्यों के मन में सकारात्मक ऊर्जा का विकास होगा, साथ ही नकारात्मक शक्तियां मन से दूर होंगी, घर का माहौल शांतिपूर्ण होगा, मन तनाव मुक्त होगा, घर में सुख शांति की लहर दौड़ेगी। चलिए अब हम आपको बताते हैं उन चमत्कारी शब्दों के बारे में। दोस्तों, ये जो मंत्र बता रहे हैं, इस मंत्र के बाद हम इसको बताएंगे कैसे करना है, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट वॉच जरूर करिएगा। तो चलिए पहले मंत्र बता देते हैं। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इसको करना कैसे है, पढ़ना कैसे है, अब बताते हैं हम आपको। यह जो मंत्र बताया, इसको करने का सही ढंग जान लें। सबसे पहले प्रातः उठें, अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में जोड़कर अपने चेहरे के सामने लाएं। दोनों हाथों की हथेलियों को चेहरे के सामने करने के बाद इस मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र पढ़ने के बाद अपनी दोनों हथेलियों को अपने चेहरे पर एक बार फिराएं। इसके बाद आप धरती माता के चरण छूने के बाद धरती पर अपने पैर रखें। इसके बाद अपने रोज के कार्यों को करने में जुट जाएं। इसको नियमित रूप से करते रहें, आप देखेंगे कि आपके जीवन में विशेष बदलाव देखने को आपको मिलेंगे। आपका बिजनेस बढ़ने लगेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, आपके कार्यों में आपका मन लगेगा, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके सफलता के योग बनेंगे, चारों तरफ से बेहतर माहौल बनेगा, सोचने समझने की क्षमता बेहतर होगी, मन प्रसन्न होगा, परिवार के लोगों के बीच प्रेम बढ़ेगा, मैरिज लाइफ बेहतर होगी, लव कपल्स के लिए बेहतर होगा, बच्चों का मानसिक विकास होगा, उनके अंदर संस्कारों में वृद्धि होगी, साथ ही साथ वह ईश्वर पर विश्वास करने वाले होंगे, धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, एक दूसरे का सुख दुख अनुभव करेंगे, लोग अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे, रुके हुए काम पूरे होंगे, कार्यों में सफलता मिलेगी। यदि आप लोग इस मंत्र का सही से उच्चारण करते हैं तो आपकी समस्याओं का निवारण हो सकता है। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, आपका दिन मंगलमय हो।